हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं समीर विवेक, मैं आप सब का फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज चूंकि हम गांव आ चुके हैं, यहां पे एक डिजिटल बोर्ड की व्यवस्था नहीं है, तो हम क्या करें कि आपको एक वीडियो प्रोवाइड करने जा रहे हैं एलसीएम एचसीएफ का, जो है कि बेहतरीन क्वेश्चन। दोस्तों, इससे एग्जाम में एक भी क्वेश्चन आपको बाहर नहीं पूछेगा, ठीक है, जिसमें कि हम 50 क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं। लगभग आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन है, सीबीटी 1 का क्वेश्चन, सारा क्वेश्चन, उसके बाद आपको ग्रुप डी का क्वेश्चन मिला के जो भी एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा पूछा जाता है, सारे क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और शुरू से लेकर लास्ट तक हमारे साथ बने रहिएगा, और ताकि जो भी कंटेंट आपको मिल रहा है दोस्तों, ये प्योर आपको एग्जाम के लिए, यहीं पर आलतू फालतू कोई यहाँ पे नहीं मिलेगा आपको। प्योर आपका जो एग्जाम होता है उसी के बेसिस पे हम आपको कंटेंट देते हैं, ठीक है। कंटेंट हल्का हो भारी उससे मतलब नहीं है, कंटेंट जो एग्जाम में पूछा जाता है वो कंटेंट यूज कीजिए, ताकि आपको जहाँ टाइम बचत होगा कि और सब्जेक्ट पर आपको ध्यान देना, ठीक है। ऐसा नहीं कि भारी भारी सवाल बना लिए एग्जाम में पूछता ही नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि आपका ग्रुप डी का एग्जाम है तो मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, ठीक है, नहीं हार्ड भी होगा, नहीं तो ज़्यादा हल्का भी होगा। इसीलिए क्वेश्चन को, कोई भी हल्का क्वेश्चन को आपको निगलेक्ट नहीं करना है, नहीं तो हल्का क्वेश्चन ही आपको एग्जाम में बहुत तकलीफ दे देगा, ठीक है। इसीलिए बारीकी से देखिएगा, शुरू से लास्ट तक हमारे साथ बने रहिएगा। कुछ क्वेश्चन आपको हिंदी मीडियम में और लगभग 90% क्वेश्चन आपको बाइलिंगुअल इसमें प्रोवाइड करने जा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है। अब यहाँ पे देखिए क्या है कि एलसीएम आपको ज्ञात करना, भिन्न माला संख्या का एलसीएम। तो भिन्न माला संख्या का एलसीएम ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है आपको, तो आपको यहाँ पे देखिए क्या डाटा दिया, तो कितना हो 2/3 हो गया, ठीक है, कितना हो गया 4/9 हो गया, फिर कितना हो गया 7/12 हो गया, फिर कितना हो गया 3/5 हो गया। इसमें क्या करते हैं कि आपका जो एलसीएम होगा, इसका जो एलसीएम होगा, तो क्या करते हैं कि ऊपर वाले का हम क्या करते हैं एलसीएम, ठीक है, ऊपर वाले का एलसीएम और नीचे वाले का एचसीएफ निकालते हैं, वही हमारा क्या हो जाता है भिन्न वाले का एलसीएम। तो अब यहाँ पे देखिए हम निकाल रहे हैं इसको, इसका 2 कट जाएगा आपका, ठीक है, बचेगा 4, 7 और 3। इसका जो एलसीएम आगे कितना हो गया आपको 7 + 21 चौके कितना हो गया आपको 84 हो गया, कितना हो गया हमारा 84 हो गया। अब क्या करेंगे, नीचे का एचसीएफ, नीचे का ऐसा कौन सा संख्या है, ठीक है, जो कि सभी को विभाजित कर दे, तो 3, 9, 12, 5 है, तो ठीक है 5 है, तो ऐसा कौन सा संख्या जो कि सभी को विभाजित करेगा, कोई संख्या नहीं है, जब कोई संख्या किसी से विभाजित नहीं होगा तो उसका एचसीएफ कितना होता है 1 होता है, 84/1 मतलब फाइनल आंसर कितना हो गया आपको 84 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि दो संख्याओं का, ठीक है, दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 42 गुना है, एलसीएम और एचसीएफ का योग 602 है, यदि उन संख्याओं का में एक संख्या 84 है तो दूसरी संख्या कितना होगा। अब देख, जो हमारा जो एलसीएम है ना, वो एचसीएफ का कितना गुना आपको 42 गुना है, ये एक्स होगा दोस्ती, ये कितना हो जाएगा 42x हो जाएगा। अब बोला कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला जाएगा कि दोनों का योग, ठीक है, दोनों का योग कितना है यहाँ पर, दोनों का योग जो है हमारा वो कितना आपको 602 है, ये कितना हो गया हमारा 602 हो गया, ये कितना हो गया आपको 43x हो गया, ठीक है, 43 एक्स कितना हो गया आपको 602 हो गया। तो इसको काटेंगे कितना बार में कटेगा, ठीक है, एक हो गया यहाँ पे, ठीक है, एक बच गया यहाँ पे, उसके बाद 14 बार में कट जाएगा दोस्तों, ये 34, 42 14 बार में कट जाएगा, तो x का मान कितना हो गया हमारा 14 हो गया, ठीक है, x का मान कितना हो गया 14 हो गया। तो आपको पता होगा कि एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर होता है आपको पहली संख्या गुना क्या होता है आपको दूसरी संख्या होता, ठीक है, ये होता है। तो एलसीएम आपका जो एलसीएम ही है ना, एलसीएम तो ही है, इसमें 42 हो गया और एक्स यहाँ पे हम कितना निकाल लगाए 14 लाएँ, और एचसीएफ मेरा कितना आपको एक्स है, यही एक्स यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, जिसमें से कि एक संख्या कितना दिया आपको 84 दिया हुआ है, और दूसरा संख्या को एक्स मान लीजिए, ठीक है, वाट मान लेते, क्योंकि एक्स पहले मान लेते, यहाँ पर दूसरी संख्या मान लेते हैं वाट, ठीक है। आप इसको क्या कीजिए, काट कूट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, 14 का कितना हो गया 84 हो गया, 6 से कितना 42 हो गया, 64 कितना हो जाएगा 98, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन में कितना हो जाएगा हमारा ए हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि एक मंदिर में 12, 16, 24 और 36 मिनट के अंतराल पर 4 घंटियां बजती है, उन्हें 6 बजे निरंतर अंतराल पर बजाना शुरू किया जाता है, वो दोबारा कब बजेंगे। देखिए एलसीएम एलसीएम में क्या होता है कि जो एलसीएम के प्रयोग पर आधारित प्रश्न होता है, इसमें से 5-6 क्वेश्चन आता है आपको, ठीक है, एक घंटी वाला प्रश्न हो गया जो कि आपके सामने में है, घंटी वाला प्रश्न हो गया, ठीक है, घंटी के बाद आप क्या क्या हो गया, वृत्ताकार पथ पर एक साथ मिलने का समय, वृत्ताकार पथ पर एक साथ मिलने का समय हो गया, एक साथ मिलने का समय हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको ट्रैफिक लाइट वाला, ट्रैफिक लाइट वाला जो क्वेश्चन आएगा, ये तीनों आपको एलसीएम निकाल के आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे एलसीएम निकाल लेंगे कितना का, 12 हो गया, 16 हो गया, 24 हो गया और 36 हो गया, ठीक है, एलसीएम निकाल लेते हैं। तो एलसीएम निकालने से पहले यहाँ देखिए 12 यहाँ पे कट जाएगा, योग्य 2 से दीजिए 2/8 16 हो गया, 12 दुनी 24 हो गया, 18 दुनी कितना हो गया 36 हो गया,
ये कितना हो गया, दो चौका आठ हो गया, दो छः का बारह हो गया, दोनों अठारह हो गया, फिर दो से तीजिए दो दूनी चार हो गया, दो तीन छः हो गया, नौ हो गया, फिर तीन से लगेगा तीन, तीन का तीन, तीन तीन नौ हो गया, कितना हो गया आपको, दो दूनी चार दूनी आठ दिया चौबीस दूनी अड़तालीस दिया, कितना होता है 144 होता है, ठीक है 144 हो गया। तो 144 क्या हो गया, मिनट हो गया, तो 144 मिनट को घंटा में बदल सकते हैं, 60 से भागा दे दीजिए 144, दो बार में लगेगा 120 हो जाएगा, ये कितना हो गया आपको 4 हो गया, 24 हो गया, इसका मतलब कितना हो गया, दो घंटा आपको कितना हो गया 24 मिनट के बाद सब घंटे एक साथ फिर बजेगा। तो टाइमिंग आपका कितना दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए 6 बजे दिया हुआ है, यहाँ पे 6 बजे दिया हुआ है, ठीक है 6 बजे दिया हुआ है, इसमें जोड़ दीजिए ये दो घंटा हो गया 24 मिनट हो गया, सेकंड तो नहीं है, ये कितना हो गया आपको 8:24, 8:24 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कथा तीन अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी जो 10 8 12 से पूर्णतः विभाजित हो, तीन अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन होगा, 999 होगा। अब ये कटना चाहिए किससे, 10 से 8 से और 12 से, 10 8 12 से हम एक ही करके भाग हम नहीं देंगे, क्या करेंगे इसका एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम निकालेंगे तो एक संख्या बन जाएगा हमारा, तो इसका जो एलसीएम आएगा वो कितना जाएगा हमारा 120 आ जाएगा, कितना जाएगा हमारा 120 आ जाएगा, इसका जो एलसीएम आएगा कितना जाएगा हमारा 120 आ जाएगा, और 120 से इसमें भगा दीजिए कितना हो गया 12 8 कितना हो गया कुछ 96 हो गया, शेष कितना बचा 3 बचा 39 बचा ना, 120 से कटने का मतलब होता है कि ये सभी से कट जाएगा, लेकिन यहाँ 120 से काटे तो 39 शेष बच रहा है, इसका मतलब यही कटने नहीं दे रहा, इसलिए हमारा जो संख्या बनेगा इस 39 को इसमें घटा देंगे, 999 39 को घटा दीजिएगा कितना हो गया आपको आंसर कितना हो जाएगा हमारा 960 हो जाएगा, इसका आंसर कितना हो जाएगा हमारा 960 हो जाएगा, कि यहाँ पे तीन अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा आपको 960 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए कहता है कि दो धनात्मक x और y का एलसीएम कितना आपको एक्स वाई है, ठीक है x और y का जो एलसीएम है दोस्तों, तो एलसीएम कितना आया हमारा x इंटू वाई आया, इसका मतलब आपका ये और ये आपस में क्या हो गया आपको गुना हो गया, एलसीएम हो गया, तो इसका एचसीएफ निकालने के लिए क्या करना होता है कि एलसीएम एचसीएफ में इसका एचसीएफ पूछा कितना होगा, तो एचसीएफ का मतलब ऐसा कौन सा संख्या जो दोनों को विभाजित कर देगा, तो कोई नहीं होगा, तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर कहता है 0.63 या 10.5 2.1 4.20 का एलसीएम कितना होगा, तो एलसीएम निकालने के लिए देखिए क्या कीजिए, दशमलव के बाद मैक्सिमम डिजिट कितना है, यहाँ पे 2 है, ठीक है मैक्सिमम डिजिट कितना है 2 है, सभी में 2 अंक पूरा कर लीजिए, कितना हो गया 0.63 हो गया, ठीक है और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपको 10.50 हो जाएगा, ठीक है उसके बाद कितना आ जाएगा यहाँ पे आपको 2.10 हो जाएगा, ठीक है 2.10 हो जाएगा, उसके बाद 4.0 हो गया, तो यहाँ पे आप दशमलव हटा दीजिए, बचेगा कितना आपको 63 बचेगा, ये कितना बचेगा 10.50 बचेगा, ये कितना हो जाएगा आपको 210 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपको 420 हो जाएगा। अब छोटी संख्या यदि बड़ी संख्या को विभाजित कर रहा है उसको हटा दीजिए, ये इसको हटा दीजिए, ठीक है ये भी कट जाएगा आपको, ठीक है ये इसको क्या करेगा, इसको 210 जो है 21 को काट देगा, बचेगा आपको 63 10 50 और कितना हो गया 420 हो गया। अब इसका एलसीएम निकाल लीजिए, ठीक है एलसीएम निकालेंगे, 7 से सब कट रहा है, 7 9 63 ठीक है 15 7 105 150 हो गया, ठीक है उसके बाद 7 6 42 60 बार हो गया। अब किससे कटेगा, ये 3 से कटेगा, 3 3 9 हो गया, ये 50 हो गया, ठीक है ये कितना हो गया आपको 20 हो गया, 20 3 60 हो गया। फिर किससे कटेगा देख लीजिए, आपका 3 से नहीं कटेगा, अब 2 से काट देते हैं, ये हो गया 3, ये हो गया 25 और ये कितना हो गया आपको 10 हो गया, ठीक है आप किससे कटेगा 5 से कटेगा, ये हो गया 3, ये हो गया 25 5 दो 10 हो गया। अब एलसीएम पहले इसका निकाल लेते हैं कितना आएगा, 5 2 10 30 30 5 150 300 ठीक है 300 3 3 900 कितना हो गया आपको 6300 हो गया, कितना हो गया हमारा 6300 हो गया। अब देखिए कितना अंक के बाद हम दशमलव बैठाएंगे, 2 अंक के बाद बैठा दीजिए, यहाँ पे बैठा देंगे कितना हो जाएगा हमारा 6300, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा ए हो जाएगा। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हम कि 14 21 25 70 का एलसीएम कितना होगा, तो थोड़ा सा यहाँ पे बेसिक देख लेते हैं कि जैसे मान के चलिए दिया होगा कि 5 10 20 30 40 का यदि एलसीएम पूछा जाए तो एलसीएम कितना होगा दोस्तों। अब यहां से क्या करना है, सबसे छोटी संख्या कौन है, 5 किसी भी संख्या को विभाजित करेगा दी गई संख्या को इसको हटा देंगे, 10 भी विभाजित कर रहा है किसी को, 20 को 30 को किसी एक को, 20 भी कर रहा 40 को, बचा कितना दोस्तों 30 और 40 बचा, 30 और 40 का आप एलसीएम निकाल लीजिए, ठीक है 30 और 40 जैसे एलसीएम निकालते हैं
दो हो गया, 15 बार में हो गया, ये 20 बार में हो गया, ये 3×5=15 हो गया, 5 बार में लगेगा, 5×3=15 हो गया, 5×20 हो गया, ठीक है। तो ये हो गया 5×10=33, 33×120 हो गया, सेल्सियम कितना होगा, 120 हो जाएगा। और एग्जाम्पल में देखते हैं, जैसे 3 है, 6 है, 8 है, 12 है, 24 है, 72 है, इसका एलसीएम निकालना होगा। तो सबसे छोटे संख्या स्टार्ट करेंगे, किसी भी संख्या को यदि विभाजित कर रहा है, किसी एक संख्या को इसको हटा देंगे, 6 भी विभाजित कर रहा है 12 को हटा दीजिए, 8 भी कर रहा है किसी को हटा दीजिए, 12 भी कर रहा है, 24 भी कर रहा है, एलसीएम कितना बचा दोस्तों आपका, एलसीएम इसका कितना हो जाएगा आपको, 72 हो जाएगा। इस प्रकार से आप कर सकते हैं, जो बच जाएगा मैसे दो संख्या बच जाएगी उसका एलसीएम निकाल लीजिए, क्योंकि जितना संख्या कटेगा उतना स्टेप आपका घटेगा। अब यहाँ पे हम आते हैं ओरिजिनल क्वेश्चन पे कि 14, 21, 25, 70 का एलसीएम कितना होगा। यहाँ पे क्या आपको 14 है, 21 है, 25 है और क्या आपको 70 है। तो यहाँ पे देखिए 14 किसी संख्या को विभाजित कर रहा है, इसको हटा दीजिए, क्या हो गया 21, 25, 70 हो गया। आप यहाँ से कर लीजिए, ठीक है, 7 से 7 = 21, 25, 10 = 70 हो गया। फिर किससे कटेगा, 5 से कटेगा, ये हो गया 3, ये हो गया 5, ये हो गया 5×2=10। अब नहीं होगा तो एलसीएम क्या होता है, सभी संख्या का गुना होता है। तो देखिएगा 5 और 2 का फैमिली होता है, पहले उसको गुना कर लीजिए, 5×2=10, 10 * 3=30, 30 × 5 कितना हो गया 150 हो गया, 150 × 7 कितना हो गया 15×7=105, 1050 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि भिन्न वाले संख्या का एलसीएम निकालना हो, यदि भिन्न वाले संख्या का एलसीएम निकालना हो, फ्रैक्शन का यदि आपको एलसीएम निकालना हो, भिन्न वाले संख्या का एलसीएम निकालना हो, तो आपको क्या करना है कि अंश का जो होता है कि अंश का क्या निकालते हैं हम, एलसीएम निकालते हैं, और हर का क्या निकालते हैं, हर का क्या निकालते हैं, एससीएफ निकालते हैं, ठीक है। ये हो गया, यदि भिन्न का एससीएफ निकालना हो तो अंश का एससीएफ, नीचे का एलसीएम। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ कि 2, 4 क्या आपको 2, 4, 8, 10 का एलसीएम निकालना होगा, 2 को हर 2 हटेगा क्योंकि 2, 4, 8 का एलसीएम निकालना है, 4 भी काट देंगे तो क्या बचा 8 और 10 बचा, 8 और 10 का एलसीएम निकाल लीजिए कितना हो जाएगा, ये हो गया 2×4, 2×5=10, 5×20 दोनों कितना हो गया 40 हो गया, ऊपर में कितना हो गया 40 हो गया। बचा 3, 9, 15, 21 का एससीएफ निकालना है, नीचे वाले का एससीएफ निकालना हो तो ऐसा बड़ी से बड़ी संख्या खोजिए जो कि सबको विभाजित कर देगा, 3 से सारा संख्या विभाजित होगा, 3×3=9, 3×5=15, 3×7=21, तो सिर्फ 3 ही होगा, तो ये साइड का आपका क्या हो जाएगा एससीएफ हो जाएगा, 40/3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 2√169 इसका वर्गमूल कितना निकल जाएगा, 13 निकल जाएगा, ठीक है। 3√27 कितना हो जाएगा आपको, 3 हो जाएगा। यहाँ पे क्या आपको, यहाँ पे कितना हो जाएगा इसका, 4 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपको, 12 हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए, 3 विभाजित करेगा, 4 विभाजित करेगा, क्या बचा आपको, 13 और 12 बचा, दोनों को गुना कर लीजिए, 13 और 12 का हम यदि गुना कर लेते हैं एलसीएम हो जाएगा आपको, 13×2=26 हो गया, 156 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x और x+1 का एलसीएम कितना होगा, जैसे कोई भी लगातार संख्या जैसे 4 और 5 हो, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, जैसे 3 और 4 है, एलसीएम कितना हो जाएगा 4×3=12 हो जाएगा, कोई भी दो लगातार संख्या 1 और 2 लीजिए, एलसीएम कितना हो जाएगा आपको 2 हो जाएगा, कोई भी संख्या लीजिए 20 और 21 लीजिएगा, लेंगे 20 और 21 लेंगे, एलसीएम कितना हो जाएगा 21×42 420 हो जाएगा, जैसे 7 लेना है आपको 6 लेना है, तो 6×7 कितना हो गया 42 हो गया। इसका मतलब कोई भी दो लगातार संख्या होगा उसका जो एलसीएम होता है दोनों संख्या का क्या होता है आपको गुणनफल होता है, तो एलसीएम पे कितना हो जाएगा x × x+1 हो जाएगा, क्योंकि 2 लगातार संख्या है, यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर का बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि 4, 6 और x का एलसीएम क्या नहीं हो सकता है। सबसे पहले कि 4, 6, x का हम एलसीएम यहां निकालते हैं, x कोई भी संख्या हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी, 5 भी, 6 भी, 7 भी, 8 भी, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो यहां से कर लेते हैं 2 नहीं कितना हो गया 4 हो गया, 2×3=6 हो गया, ये x हो गया, ठीक है, ये हो गया आपको 2×3=4, ये हो गया 12x। x का मान कुछ भी हो सकता है, तो x का मान यदि हम 1 रखेंगे तो 1 होगा, 12 होगा, 12×2=24, 12×3=36, मतलब 12 का गुणज होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसका जो भी फैक्टर होगा, मतलब जो भी गुणज होगा वो 12 का मल्टीपुल में आपका एलसीएम होगा, लेकिन यहाँ बोला कि नहीं होगा, तो 12×2=24 हो गया, 12×3=36 हो गया, 12×5=60 हो गया, कौन नहीं होगा, सी हो जाएगा, क्योंकि 12 से ये आपको विभाजित नहीं हो रहा है, क्योंकि एक्स का मान आपको 1 से लेकर 9 तक भी कुछ भी हो सकता है, 10 भी, 12, 13 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो 12 का ही पहाड़ा होगा, इसका मतलब 12 के पहाड़ा में 18 नहीं आता, ये इसका एलसीएम नहीं हो सकता है। अगला क्वेश्चन, अब यहाँ पे क्या दिया हुआ कि a का क्यूब प्लस b का क्यूब, और यहाँ पे क्या a पर पावर 4 - b पर पावर 4 का एलसीएम निकालना होगा,
ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि इसका गुणनखंड निकालते हैं। इसका जो गुणनखंड होता है, गुणनखंड पार्ट कितना होता है, ए प्लस बी इंटू क्या होता है आपको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होता है, ठीक है। ये गुणनखंड वाला पार्ट है दोस्तों, इसका फॉर्मूला नहीं है। अब इस ए पर पावर फोर माइनस बी पर पावर को हम लिखेंगे ए स्क्वायर का होल स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको यहाँ से लिख लीजिए, ए प्लस बी हो गया इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस क्या हो गया, ए बी हो गया। कोमा यहाँ पे दे देते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या है, तो अब एक बार फिर और लिख लेते हैं, ये हो गया ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए बी हो गया। ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, आप इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो गया। अब इसको हम एलसीएम लेंगे, ठीक है। तो एलसीएम देखिए कितना हो जाएगा, इसको यहाँ पे ए प्लस बी है, यहाँ भी ए प्लस बी है, ठीक है। ए प्लस बी कॉमन हो जाएगा, तो ए प्लस बी यहाँ पे कॉमन ले लीजिएगा। अब कोई भी कॉमन नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, सबको गुणा कर दीजिए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा आपको, ए बी हो जाएगा। फिर क्या बचेगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू ए माइनस बी बचेगा। अब यहाँ से देखिए और है क्या, कि ए प्लस बी ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए बी, तो अब देखिए क्या है यहाँ पे, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा आपको ए क्यूब प्लस क्या हो जाएगा आपको बी क्यूब हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, ए क्यूब बी क्यूब हो जाएगा, क्योंकि ए क्यूब बी क्यूब का फॉर्मूला आपको यही होता है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए बी इंटू क्या हो जाएगा आपको, ए स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा, ए माइनस बी हो जाएगा। ये किस ऑप्शन में दिया हुआ आपको, ए क्यूब बी क्यूब है ना, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए बी, यहाँ पे है आपका, आपका कहाँ गया, यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा आपको, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कथा के बाद सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी जिसे 25 जोड़ने पर 25 यहाँ पे आपका 36 होगा, 25 36 और 40 से पूर्णतः विभाजित किया जाए, वह सबसे छोटी संख्या जिसमें 25 जोड़ने पर, अब देखिए 25 हो गया यहाँ पे, ये कितना हो गया आपको 36 हो गया, और ये क्या हो गया, इसका एलसीएम ले लीजिए, ठीक है। एलसीएम ले लेते हैं, ये हो गया 5, ठीक है। ये कितना होगा आपको 36 हो गया, 5 40 हो गया, ठीक। फिर किससे कटेगा, 2, ये हो गया 5, ये हो गया 18, ये हो गया 4 हो गया। फिर किससे कटेगा, 2 से, ये हो गया 5, ये हो गया 9, ये हो गया 2, ये कितना हो गया 5 × 10 × 20 पंचे 100 9 × 18 कितना हो गया 1800 का क्या हो गया, एलसीएम हो गया, ठीक है। 25 जोड़ने पर, जब 25 जोड़ने पर होगा तो मतलब 25 घटाने होगा, तो क्या कोई ऑप्शन है, नहीं है, नहीं है तो 18 का गुणज ही होगा, तो 18 का गुणज अगला कौन होगा, 18 × 36 हो गया, 3600 में से 25 घटा दीजिए कितना हो गया 3575 हो जाएगा, ऑप्शन है तो ऑप्शन नंबर पर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी जो 15, 20, 25 और 45 से विभाज्य हो, ठीक है। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन होगा, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का ये आपको 4 × 9 हो गया, इससे विभाजित होने का मतलब इसका एलसीएम से विभाजित हो गया, मतलब सभी संख्या से विभाजित हो जाएगा, 15 हो गया, 20 हो गया, 25 हो गया और क्या हो गया, 45 हो गया। इसका एलसीएम निकाल लेते हैं, 15 तो हट ही जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे, 20 25 45, 5 से कटेगा, ये 5 × 20 हो गया, 5 × 25 हो गया, 5 × 45 हो गया। अब नहीं कटेगा, 5 × 20 × 25 100 कितना हो गया, 900 हो गया ना, यहाँ पे कितना हो गया आपको एलसीएम 900 आ गया, एक बार में लगेगा, यहाँ कितना हो गया 900, यहाँ हो गया 9 9 हो गया, फिर 9 उतरेगा, एक बार में लगेगा, ये हो जाएगा 900, ठीक है, 99। तो शेष कितना बच रहा, 9, मतलब 9 से विभाजित होने के लिए सिर्फ क्या बच रहा आपको, 99 बच रहा है, इसी 99 को इसमें हम घटा देंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा आपको संख्या हो जाएगा, 9 9 9 में से 99 को घटा देंगे क्या हो जाएगा, 99 सौ आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता कि 4 6 x का एलसीएम नहीं हो सकता, ये क्वेश्चन हमने करवा दिया था, रिपीट हो गया क्वेश्चन, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता कि 3 अलग अलग रोड क्रॉसिंग ट्रैफिक लाइट क्रम से प्रत्येक 48 सेकंड 72 सेकंड और 108 सेकंड के बाद बदल जाती है, तो वे सभी 8:20 पर एक साथ बदलते हैं, तो फिर कितने बजे एक साथ बदलेंगे। ध्यान दीजिएगा, जो एलसीएम का, जो एलसीएम का जो प्रयोग आधारित प्रश्न है, कौन कौन हो सकता है आपको, घंटी वाला प्रश्न हो गया, ठीक है, घंटी वाला हो गया, ट्रैफिक लाइट हो गया आपको, ट्रैफिक लाइट वाला क्वेश्चन हो गया, ठीक है। उसके बाद वृत्ताकार पथ पर, वृत्ताकार पथ पर एक साथ मिलने का समय, एक, ये 3 टॉपिक, घंटी वाला प्रश्न हो गया दोस्तों, ट्रैफिक लाइट वाला हो गया और वृत्ताकार पथ पर एक साथ मिलने का समय यदि क्वेश्चन पूछा जाए, आपको सिर्फ क्या करना है कि एलसीएम के माध्यम से एक सारा क्वेश्चन आपको बन जाएगा, ठीक है। ये मेन 3 टॉपिक है, इस 3 टॉपिक को देखते हैं तो आपका एलसीएम से जो भी रिलेटेड क्वेश्चन होगा इस टाइप का सारा क्वेश्चन बन जाएगा। तो आप क्या करना है, एलसीएम निकाल लीजिए सबका, कितना हो गया 48 हो गया, ठीक है, 48 हो गया,
72 हो गया, 108 हो गया, ठीक है। तो आप बड़ी संख्या से दे सकते हैं, यदि सभी संख्या कट रहा है किसी बड़ी संख्या से काट सकते हैं, 12 6 48 56 72 12 9 108 हो गया, ठीक है। अब किससे, अब किसी से तो नहीं लग रहा है, हाँ तीन से कटेगा, ठीक है, तीन का चार, तीन दूनी छः, तीन तिया नौ, फिर दो से कटेगा, ये हो गया 2 2 4 1 और ये हो गया 3, सभी को गुना करेंगे, 3 2 6 2 12 3 36 है ना, 12 गुना कितना हो गया आपको 36 हो गया, इसको कटेंगे कितना हो गया, बरछा का कितना हो गया आपको 72 हो गया, बरछा का 72 हो गया, 12 3 36 7 43 432 हो गया ना, तो 432 आपका क्या हो गया यहाँ पे, चूंकि सेकंड दिया हुआ, 432 क्या हो गया आपको सेकंड हो गया, इसको 60 से भगा दीजिए 432 को, कितना बार में लगेगा 6 6 42, ये हो गया आपको 2, ये हो गया 1, मतलब 7 मिनट हो गया और 12 सेकंड हो गया। तो यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ कि 8 20 और ये 00 सेकंड को हो गया, क्योंकि घंटा तो नहीं आया, मिनट आया है, 07 आया है, और यहाँ पे आपको कितना, आपको 12 सेकंड हो गया, ये कितना हो जाएगा आपको 12 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपको 27 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा आपको 8 हो जाएगा, 8 27 12 घंटा आपका आंसर हो जाएगा, 8 27 12 घंटा आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपको क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है कि ए बी सी एक साथ वृत्ताकार स्टेडियम में घूमना शुरू करते हैं और वे क्रमशः 42 सेकंड 63 सेकंड और 84 सेकंड के अपना चक्र पूरा करता है, कितने समय बाद वे आरंभिक बिंदु पर एक साथ मिलेंगे। तो ये आपका सिर्फ एलसीएम निकाल लीजिए, 42 63 और 84, ठीक है। अब ये किससे कटेगा, 11 से, ठीक है, अब 2 से काट सकते हैं, पहले ये हो गया 21, ये हो गया 63, ये हो गया 2 4 8 2 4, 60 से कर दिए, 7 21 7 9 63 6 42, फिर 3 से काट दीजिए, 3 5 3 3 3 9 3 2 6 हो गया, अब नहीं होगा किसी से, 3 6 3 18 2 36 36 × 7 कर दीजिए, कितना हो गया 6 7 42 7 21 4 25 252 सेकंड इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। यदि मिनट में देगा तो आप 6 से 60 से भागा दे दीजिए, मिनट में यदि आंसर होगा तो मिनट में होगा। देखिए सारा क्वेश्चन हमने NTPC का पूछा हुआ क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं सारा क्वेश्चन आपका इस बार का NTPC का पूछा हुआ क्वेश्चन है, जितने भी LCM SF में टॉपिक बनते हैं सारे टॉपिक उन्होंने पूछ दिया है, इससे बड़ा कुछ पूछ ही नहीं सकता ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता कि 5 घंटियां एक साथ बजना शुरू होती है और वे क्रमशः 2 4 6 8 10 सेकंड के अंतराल बजती है, तो 30 मिनट में कितनी बार एक साथ बजेगी। तो चलिए आप 2 4 6 8 2 4 6 8 20 का LCM निकालेंगे, 2 कटेगा 4 कटेगा तो क्या बचेगा, 6 8 10 बचेगा, ठीक है, ये हो गया 2 3 6 2 4 8 10 हो गया, ये हो गया 3 2 2 4 2 5 10, कितना हो जाएगा आपको 2 2 4 2 8 5 40 थे 120 आपका क्या हो गया सेकंड हो गया, ये कितना हो जाएगा आपको 2 मिनट हो जाएगा। अब देखिए 2 मिनट में क्या होता है आपको एक बार बचता है, 2 मिनट में कितना बार एक बार, 1 मिनट में कितना बार बजेगा 1/2 बार, लेकिन यहाँ बोला 30 मिनट में कितना बार होगा, 30 मिनट में कितना हो जाएगा 1/2 गुना कितना हो गया 30 हो गया, कितना हो गया 15 बार, लेकिन आपको इसमें एक जोड़ेंगे तभी आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि जब घंटी शुरुआत में बजा है ना, प्रारंभिक जो घंटी बार बजा है पहला बार वो इसमें काउंट नहीं है, ठीक है, उसके बाद वाला आपको 15 बार है, तो एक बार इस टाइप का जो भी क्वेश्चन होगा फाइनल करने के बाद आप प्रत्येक बार एक जोड़ देंगे तो फाइनल आपका आंसर रहेगा। जैसे मान के लिए 30 आ गया, 30 में एक जोड़ेंगे 31 हो जाएगा, जैसे 100 आ गया तो 100 में एक जोड़ देंगे 101 हो जाएगा, तो 16 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है कि 3500 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ी जाए जिससे वह 42 49 56 63 से पूर्णतः विभाजित होगा। तो विभाजित मतलब इस सबसे विभाजित होने का मतलब ये सब पहले से हम निकाल लीजिए, तो कितना हो गया आपको 42 हो गया, 49 हो गया, 56 हो गया और 63 हो गया। इसका एलसीएम निकालते हैं 7 से, ये हो गया 7 6 42 7 7 49 7 8 56 7 9 63 हो गया। अब 3 से कर देते हैं, ये हो गया 3 2 6 7 हो गया, 8 हो गया, 3 3 9 हो गया। अब 2 से कर दीजिए, कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 2 4 8 हो जाएगा, 3 हो गया, ठीक है। अब इसको गुना कीजिए, ये कितना हो गया 3 2 6 6 6 24 72 72 गुना कितना हो गया 7 7 49 हो गया। इसको गुना करते हैं, कितना हो गया 9 2 18 हो गया, हासिल 1 हो गया, 4 2 8 9 7 63, ठीक है, 71 1 कितना हो गया 72, हासिल 7 हो गया, 7 4 28 7 4 28 7 कितना हो गया आपको 35 हो गया, ठीक है, 3528 हो गया। अब देखिए यहाँ क्या बोला कि 3500 में कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि वह इससे हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 3528 है,
इसमें 3500 से क्या करना आपको, इसमें भागा देना है। 3500 में कौन सी संख्या जोड़ेंगे कि आपको 3528 से कट जाएगा, 28 जोड़ना होगा ऑप्शन। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि सबसे कम धनात्मक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 5, 6, 8, 9, 12 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में एक शेष बचता है लेकिन 13 से पूर्णतः विभाजित होता है। तो सबसे पहले क्या करना है कि 5, 6, 8, 9, 12 का एलसीएम निकाल लीजिए। ठीक है, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 हो गया यहां से, 5, 3, 4, 9 और क्या हो गया, 12 हो गया आपको। फिर 3 से दे दीजिए, ये हो गया 5, ये हो गया 1, ये हो गया 4, ये हो गया 3, 3, 9, 3, 6, 12 हो गया। अब 2 से दे दीजिए, 5 हो गया, 2, 2, 4 हो गया, 3 हो गया, 2, 2, 4 हो गया। फिर 2 से दे दीजिए, ये हो गया 5, 1 हो गया, 3 हो गया, 1 हो गया। अब एलसीएम निकाल लीजिए कितना हो गया आपका, ये हो गया 5, 2, 10, 30, 30, 60, 60, 120, 120 × 3 कितना हो गया आपको, 360 हो गया। ठीक है, तो एलसीएम 360 आया है लेकिन आपको 360x+1 और ये किससे कटना चाहिए आपको, 13 से कटना चाहिए। ये भी संख्या ये क्या होगा, क्योंकि जो भी संख्या होगा आपको क्या होगा, 13 का पहाड़ा होगा। अब देखिए यहाँ से 13 ले लीजिए और यहाँ पे 360 में एक बार अलग से भगा देते हैं, 13 दोनों कितना हो गया आपको, 26 हो गया, ये हो गया 0, ये हो गया 1, 13 से कितना हो गया आपको, 91 हो गया, यहाँ पर कितना बचा, 9, 9x+1। तो यहाँ पे x का मान क्या रखेंगे, 13 से कट जाएगा, है ना। 1 से स्टार्ट करते हैं, 9, 2, 18, 1, 19 नहीं होगा, 9, 3, 27, 1, 28, 9, 4, 36, 1, 37 नहीं हो गया, 8, 9, 8, 9, 8, 72, 1, 73 नहीं होगा, 10, 9, 90, 1, 91 मतलब आपका क्या हो गया, x का मान 10 होगा। यहाँ पे x का मान कितना रखना होगा आपको, 10 रखना होगा, ये 3600+1 हो जाएगा, 3601 आपका क्या हो जाएगा, आपका आंसर होगा 3601, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 72, 80 और 88 से विभाजित करने पर मतलब 52, 60 और 68 शेष बचता है। क्या आपको 72 हो गया, फिर 80 हो गया, फिर कितना हो गया, 88 हो गया। तो प्रत्येक दशा में जब अलग अलग शेष बचता है तो उसका हम अंतर ले लेते हैं शेष और संख्या का। ये हो गया 60, ये कितना हो गया आपको, 68 हो गया ना। तो सबको घटाइए कितना हो जाएगा आपको, 20 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 20, ये भी 20 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा आपको, 20 हो जाएगा। तो 72, 80 और 88 का एलसीएम निकाल लेते हैं, 72, 80 और 88 का जो एलसीएम होगा इसको निकाल लेते हैं। ठीक है, चलिए भगा दे देते हैं 2 से, ये कितना हो जाएगा आपको, 36, ये हो जाएगा 40, ये हो जाएगा आपको 44। फिर 2 से दे दीजिए कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, ये 22 हो जाएगा। फिर किससे देंगे, 2 से, 2, 9, 18 हो गया, 2, 2, 20 हो गया, 11 हो गया। ठीक है, अब तो नहीं होगा किसी से, तो चलिए ये हो गया 2, 2, 4, 2, 8, 8, 8, 8, 8, 80 हो गया। ठीक है, 80, 9, 9, 8, 72, 720 गुना कितना हो गया, 11 हो गया। अब कितना हो जाएगा आपको, ये आपको 0 हो गया, 2 हो गया, 7, 2, 9 हो गया, ये हो गया 79, 20 हो गया। आप 79, 20 में 20 घटा दीजिए, ठीक है, 20 घटा देंगे कितना हो जाएगा आपको, 79 सौ आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो जिसे 18, 24, 30 और 42 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेष बचे, 3 शेष बचे। तो संख्याएं ज्ञात करना, तो आपको करना कुछ नहीं, 18, 24, 30 और 42 का आप एलसीएम निकालिए सिर्फ। जैसे ही एलसीएम निकालिएगा उसमें 3 जोड़ दीजिए, वही आपका संख्या बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ किससे, 2 से करेंगे, ये हो गया 2, 9, 18, ये हो गया 12, ये हो गया आपको 15, ये हो गया आपको 21 हो गया। ठीक है, फिर किससे लगेगा, 3 से लगेगा, 3, 3, 9, 3, 6, 12, 3, 5, 15, 3, 7, 21 हो गया। अब तो हमको नहीं लगता किसी से लगेगा, तो नहीं लगेगा तो आप इसको गुना कर लीजिए, 5, 6, 20, 30, 60, 60, 120, 120, 32, 36, 360 और गुना 7 हो गया। ठीक है, ये हो जाएगा 0, 6, 42, ठीक है, 7, 21, 4, 25 प्लस 3 कर देंगे, 2523 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 7 का वह लघुत्तम गुणज ज्ञात कीजिए जिसे 6, 8, 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में एक शेष बचे। ठीक है, तो 7 से भागा देख लीजिए यहाँ पे कितना शेष बच रहा है, 7, 21 शेष कितना बच रहा है, 4 नहीं होगा, 7, 7, 49 शेष कितना बच रहा है, 0 नहीं होगा, 7, 9, 3 ठीक है, 10, 12 में लगेगा, शेष 3 बचेगा। यहाँ पे देखिए 7, 2, 14, 2, 7, 4, 28 शेष कितना बच रहा है, 1 बच रहा है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए,
चार अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 2, 3, 5 से पूर्णतः विभाजित हो और प्रत्येक दशा में कितना शेष बचे, एक बचे। तो 2, 3 और 5 से, तो अब देखिए इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 5 से 15 दोनों 30 हो जाएगा। अब चार अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन होगा, ये आपका चार अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गया, 3 बार में लगेगा, 30 या 90 कितना बचा, 100, 30 कितना हो गया, 90, कितना शेष बचा, 10 बचा। अब देखिए 30 से कटा है तो चार अंकों की होना चाहिए, यदि 10 दोस्तों इसमें हम घटा देंगे, ये तो 3 अंक में आ जाएगा, तो हमको चाहिए 4 अंक, तो इसमें कितना जोड़ेंगे कि 30 से कट जाएगा, इसमें कितना जोड़ना होगा, 20 जोड़ना होगा, इसका मतलब पूरा संख्या को कितना हो जाएगा, 1020 में जोड़ेंगे, आपका कितना हो जाएगा, आपको 1020 हो जाएगा, जो कि 30 से कट जाएगा। लेकिन आपको बोला कि प्रत्येक दशा में कितना शेष बचता, एक बचता, तो एक इसमें आपको जोड़ देना है, कितना होगा, 1021 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि 16.5, 0.45 और 15 का एचसीएफ कितना होगा, तो यहाँ पे कितना आपको 16 पॉइंट कितना हो गया, 5 हो गया, 0.45 कितना हो गया, 4.5 हो गया, और कितना हो गया, 15 हो गया। दशमलव के बाद मैक्सिमम अंक कितना है, 2 है, इसमें भी 2 पूरा कर लीजिए आप, 16 पॉइंट कितना हो गया, 5.0, ये कितना हो गया, 0.45 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 15.00 हो गया। आप यहाँ से क्या कीजिए, हटा दीजिए दशमलव, 1650 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा आपको, 15 हो जाएगा, ठीक है। अब ऐसा संख्या अगर ढूंढिए कि सबको काट देते, 15 से काटते हैं, ये हो गया 15, 110 बार में कटेगा, ये 15, 45 से एक, अब किसी से नहीं कटेगा, तो ये क्या हो जाएगा आपको, एचसीएफ हो जाएगा। यहाँ पे एचसीएफ कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, लेकिन कितना अंक के बाद आपको, 2 अंक के बाद है, 2 अंक के बाद दशमलव बैठा दीजिए, आपको 0.15 आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि 15, 25 और 42 का एचसीएफ कितना होगा, ऐसा कौन सा संख्या जो कि तीनों को विभाजित कर रहा है, ऐसा कोई संख्या जो कि नहीं करेगा विभाजित, कोई भी संख्या नहीं है एक को छोड़ के, जिससे विभाजित होगा वो सिर्फ एक होगा, तो वही आपका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, आपको डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता कि 81, 91, 101 और 111 का एचसीएफ क्या होगा, ये भी संख्या किसी से विभाजित नहीं होगा, इसका भी एचसीएफ कितना हो जाएगा, आपको 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि यहाँ पे क्या पूछा आपको, एचसीएफ पूछा, भिन्न वाले संख्या का एचसीएफ, भिन्न वाले संख्या का एचसीएफ, भिन्न वाले संख्या का एचसीएफ, भिन्न वाले संख्या का जो एचसीएफ होता कितना होता है, वो अंश का क्या होगा, अंश का एचसीएफ निकालना है, और हर का क्या निकालना है आपको, एलसीएम निकालना है, हर का क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो यहाँ ध्यान दीजिए कि क्या आपको 2, 4, 8, 10 का क्या निकालना है, एचसीएफ, तो ऐसा कौन सा संख्या जो कि सबको विभाजित कर रहा है 2 से, एक बार में ये 2, 4 हो गया, 2, 6, 8, 2, 5, 10, अब किसी से नहीं हो रहा, ये आपका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा, एलसीएम। आप देखिए 3 कटेगा, 3 कट गया तो कितना बचा, 9, 15, 21, 9, 15, 21 का क्या करते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं, कितना बार में लगेगा, 3, 9 हो गया, 3, 5, 15, 3, 7, 21, आप देखिए यहाँ से कर लेते हैं, 5, 3, 15, 15, 7 कितना हो गया, 105 गुना 3 हो गया, 5, 3, 15, 315, 315 हो जाएगा, 2/315, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हाँ चलिए भीड़ वाले तो हम बता दिए, फिर भी इसको बता देते हैं, 1, 2, 3, 4 का जो एचसीएफ होगा, ऊपर वाले का एचसीएफ कितना हो जाएगा, आपको 1 हो जाएगा, एलसीएम नीचे का कितना हो जाएगा, 2 तो कट ही जाएगा, तो 5, 20, 60 हो जाएगा, 1/60 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अब देखिए पार वाले का एलसीएम मतलब एचसीएफ है, एलसीएम छूट गया है, वो हम कर देते हैं, पारो वाले का जो एचसीएफ होगा वो क्या होता है कि देखिए कि नीचे आपके आप क्या होना चाहिए, अभाव संख्या होना चाहिए, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो इसमें क्या करेंगे, मिनिमम पावर लेंगे, तो मिनिमम पावर कितना आपका 2 है, तो 2 ले लीजिए यहाँ पे, फिर क्या है कॉमन आपका 3 है, यहाँ पे कितना 3 है, मिनिमम पावर कितना आपको 4 है, तो मिनिमम पावर लिख दीजिए 4, फिर क्या है यहाँ पे 5 है, यहाँ भी 5 है, तो मिनिमम पावर कितना आपको 3 है, 3 हो गया। अब कोई कॉमन नहीं है तो नहीं होगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आपका एचसीएफ हो जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा, आपको एचसीएफ हो जाएगा, 2 पे पावर 2, 3 पे पावर 4, 5 पे पावर 3, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन कहता कि n(n+1) का एचसीएफ क्या होगा जब n एक प्राकृतिक संख्या होगा, तो सबसे पहले देखिए क्या है कि 5 और 6 का एचसीएफ कितना होगा, कितना होगा, एचसीएफ 1 होगा, 7 और 8 का एचसीएफ कितना होगा, 1 होगा, 9 और 10 का एचसीएफ कितना होगा, 1 होगा, मतलब कोई भी लगातार संख्या होगा, 2 लगातार संख्या होगा, उसका एचसीएफ कितना होगा, 1 होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखिए कहता है कि 200 से लेकर 478 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का एक्सेप्ट कितना होगा जब लगातार संख्या हो, जैसे मान के चले क्या ये 24 हो गया, 25 हो गया, 26 हो गया, 27 हो गया, 28 हो गया, तो एक्सेप्ट का मतलब होता है वह बड़ी से बड़ी संख्या जो सबको विभाजित करे, जब लगातार संख्या होगा तो जरूरी नहीं है कि वो किसी संख्या से कटेगा एक को छोड़ के, तो इसीलिए एक्सेप्ट इसका कितना हो जाएगा आपका एक हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि वह सबसे बड़ी से बड़ी संख्या 55, 72 और 123 से विभाजित करने पर शेष क्रमशः 376 शेषफल प्रदान करती है, तो यदि अलग अलग शेष हो और 72 और 123 बड़ी संख्या पूछा जाए तो सब में घटा दीजिए, 3 घटा दीजिए, यहाँ पे 7 घटा दीजिए, यहाँ पे कितना 6 घटा दीजिए, ये कितना हो जाएगा आपको 52 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपको 65 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा आपको आपका यहाँ आपका 117 हो गया। ठीक है, अब ये तीनों संख्या किससे कटेगा, 13 54 13 55 13 9 17 से, अब कोई किसी से नहीं कटेगा, किसी संख्या से तीनों नहीं कटेगा, ये वाला पार्ट आपका क्या हो जाता है एचसीएफ हो जाता है, यही संख्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कहता है कि लकड़ी के लट्ठों में से 3 टुकड़े हैं 48 मीटर, 56 मीटर और 72 मीटर है, अधिकतम संभव लंबाई क्या होगा जिन्हें इन्हें पूरी तरह नापा जा सकता है, तो इस टाइप के क्वेश्चन का एचसीएफ निकाल लीजिए, 48, 56 और कितना 72 है, किससे कटेगा ये 9 से कटेगा, 9 8 72 8 से कटेगा ना, 8 6 48 हो गया, 8 7 56 हो गया, 9 8 72 हो गया, अब किसी से नहीं कटेगा, यही आपका आंसर हो जाएगा 8 ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 3 ग्राम में प्रत्येक में 420 लीटर, 475 लीटर और पेट्रोल और 495 लीटर तेल के समान आकार की बोतलों में बिना आपस में मिलाए इस तरह से बोतलों में भरे कि प्रत्येक बोतल में पूरी तरह भर जाए और आवश्यकता बोतलों की न्यूनतम संख्या कितना होगा, यदि बोतलों की न्यूनतम संख्या निकालना होगा तो आप दी गई जो भी कंटेनर में कंटेंट है मतलब दूध है जो भी उसका एचसीएफ निकाल के सभी को जोड़ के उसी एचसीएफ से भागा देंगे आपका बोतल की संख्या न्यूनतम संख्या जो भी निकालना होगा आपको निकल जाएगा, तो ये हो गया 420 हो गया, फिर कितना हो गया आपको 475 हो गया और कितना हो गया आपको 495 होगा, इसका जो एचसीएफ होगा वो कितना हो जाएगा आपको, कितना हो जाएगा आपको 5 हो जाएगा। ठीक है, एचसीएफ निकालते हैं कितना हो जाएगा आपको 5 हो जाएगा, तो क्या आपको न्यूनतम संभव संख्या कितना होगा बोतल की जो संख्या होगा यहाँ पे बोतल की जो संख्या होगा सबको जोड़ दीजिए, ये हो गया 5 5 10 0 हो गया, ठीक है 9 7 16 2 18 19 हो गया, ठीक है 13 अब बटे कितना 5 कर से भगा दे दीजिए, ये हो जाएगा 278 ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है कि 12 15 21 का एलसीएम एचसीएफ ज्ञात कीजिए, अब देखिए क्या है कि 12 है 15 है और क्या 21 है, फिर क्या है कि 12 है 15 है 21 है इसका एलसीएम निकालना था, एलसीएम निकालते हैं इसका, ये कितना लगेगा 3 से लगेगा, 3 4 12 3 5 15 3 7 21, ठीक है अब किसी से लगेगा नहीं लगेगा क्योंकि 5 20 60 642 420 हो गया, ये आपका क्या हो गया 420 एलसीएम हो गया। ठीक है अब एचसीएफ निकालना है तो तीनों संख्या कटना चाहिए, जब किसी एचसीएफ निकालना होगा तो सभी संख्या एक ही संख्या से कटना चाहिए, किससे कटेगा 3 से कटेगा, 3 6 12 3 5 15 3 7 21, तो अब किसी से नहीं कटेगा तो ये वाला जो पार्ट होता है एचसीएफ हो जाएगा, तो ये हो गया 420 और कितना हो जाएगा आपको 3 हो जाएगा, 420 और 3 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है 2 धनात्मक संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल 72 है, इन दोनों संख्याओं का अंतर 1 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए, इस टाइप का क्वेश्चन आपको क्या करना है कि ऑप्शन से बना लेना है ना, तो एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल कितना आपको 72 है और अंतर कितना 1 है। ठीक है 6 और 8 का अंतर कितना हो गया 2 हो गया, 8 और 7 का अंतर 1 है लेकिन 8 7 56 होता है, 9 7 63 होता है, अंतर भी 2 है नहीं होगा, ये तीनों तो होगा नहीं, ये तो हो जाएगा आपको 8 और 9 का अंतर भी 1 है, दोनों का गुणनफल कितना आपको 72 है, इसीलिए ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कहते हैं कि 2 संख्याओं का एचसीएफ एलसीएम क्रमशः 10^8 और 10^12 है और × 7^3 है, यदि एक संख्या 10^12 है दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए, देखिए क्या होता है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर क्या होता है आपको पहली संख्या गुणे क्या आपको दूसरी संख्या होता है। ठीक है अब यहाँ पे देखिए क्या है कि एचसीएफ कितना आपको 10^8 है, ये कितना हो गया 10^8 हो गया गुणे ये कितना हो जाएगा आपको 10^ कितना हो जाएगा आपको 12 हो गया, कितना हो गया 7^3 हो गया आपका। ठीक है
अब बराबर कितना आपको एक संख्या दिया था, उसमें पावर 12 दिया हुआ, दूसरी संख्या एक्स मान लेते हैं, इसको इधर लेते आइए, ठीक है। तो एक्स का मान कितना हो जाएगा आपको 10^12, ठीक है। तो 10^12 तो कट ही गया ना, तो क्या बचा यहाँ पर आपको 7^3 बचा, 10^8 ही बचा, 7^3, 10^8, 10^8 ये आपका ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि दो संख्याओं का गुणनफल 270 यदि उनका एलसीएम 90 हो तो एससीएफ कितना होगा। अभी क्या बताए थे, एलसीएम इंटू एससीएफ बराबर क्या होता है आपको संख्याओं का गुणनफल, मतलब दो संख्या का गुणनफल होता है यहाँ पे, या तो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या कर सकते हैं आप। दो संख्याओं का गुणनफल कितना आपको 270 है, ठीक है, जिसमें से कि आपका क्या है कि एलसीएम कितना दिया हुआ 90 दिया हुआ है, एससीएफ पूछा कितना होगा, योग्य 9^27, एच बराबर कितना हो जाएगा आपको 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि दो संख्याओं का एलसीएम और एससीएफ क्रमशः 60 और 3 है, यदि पहली संख्या 12 दूसरी संख्या कितना हो जाएगा आपको। तो अभी क्या बताए थे तुरंत, एलसीएम इंटू एससीएफ, ठीक है, एससीएफ बराबर क्या हो गया आपको पहली संख्या गुना क्या होगा आपको दूसरी संख्या हो गया, तो एलसीएम आपका 60 हो गया, एससीएफ 3 हो गया, एक संख्या 12 है दूसरी संख्या को निकालना है ना, ये हो गया 12×5=60, 5×15 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता कि संख्या 10, 25 और 35 का एससीएफ से एलसीएम का अनुपात क्या होगा। ये हो गया 10, ये हो गया 25, ये हो गया 35, फिर कितना हो गया 10 हो गया, 25 हो गया, 35 हो गया, ठीक है। इसका एससीएफ कितना होगा, ऐसा संख्या जो कि तीनों को विभाजित करे, 5×10=25, 5×7=35, तो अब किस से नहीं कटेगा, एससीएफ मेरा कितना हो गया 5 हो गया, ठीक है। एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम निकालेंगे 5 से लगेगा, 5×10=25, 5×7=35, अब किसी से नहीं लगेगा, ठीक है। ये कितना हो गया 5×10, 10×5=50, 7×3=350, ठीक है, ये कितना हो गया 350 हो गया, यही तो एलसीएम हो गया ना। एलसीएफ एचसीएफ पर एलसीएम का रेशियो पूछा है, 5×7=35 हो गया, एक अनुपात कितना हो जाएगा आपको 70 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि तीन संख्या ज्ञात कीजिए जिनका अनुपात 3:4:5 और उनका एससीएफ 7 हो। अब देखिए क्या होता है कि संख्या बराबर होता है आपको रेशियो, मतलब अनुपात को यदि आप एससीएफ से गुणा कर दीजिएगा तो संख्या प्राप्त हो जाएगा कितना आपको 3:4:5, इसको यदि आप एससीएफ से गुणा कीजिएगा संख्या प्राप्त होगा 7×21 हो गया, 7×4=28 हो गया, 7×5=35 हो गया, 21×28=35, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि दो संख्याओं का एचसीएफ 6 है और उनका एलसीएम 84 है, यदि इनमें से एक संख्या 42 और दूसरी संख्या कितना होगा, तो कितना हो गया 6×84 बराबर कितना हो गया 42×12 हो जाएगा, तो ये 42×84 हो गया, 6×12 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा आपको सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है कि दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 91 गुना है, एचसीएफ एलसीएम का योग 2760 है, यदि संख्याओं में से एक संख्या 210 हो दूसरी संख्या कितना होगा। अब देखिए क्या है कि एलसीएम और एलसीएम का जो रिलेशन दिया हुआ है कि एससीएफ का 91 गुना ये एक्स होगा, ये कितना होगा आपको 91x होगा, कहता कि दोनों का योगफल दिया हुआ है, ठीक है, 91x प्लस कितना हो गया एक्स बराबर कितना दिया हुआ आपको 2700 कितना हो गया आपको 60 हो गया, ये कितना हो गया आपको 92x बराबर कितना हो गया आपको 2760 हो गया, इसको काट दीजिए, ये 3 बार में कटेगा मतलब 30 बार में कटेगा, एक्स का मान कितना हो गया आपको 30 हो गया। तो आपको पता है कि अभी तुरंत बताए थे कि एलसीएम इंटू एससीएफ बराबर क्या आता आपको पहली संख्या गुना क्या आता आपको दूसरी संख्या होता है, तो एलसीएम मेरा कितना होगा आपको 91x, मतलब कितना हो गया 91×30 हो जाएगा, एससीएफ एक्स है तो कितना हो जाएगा आपको 30 हो जाएगा, एक संख्या 210 है तो दूसरी संख्या को एक्स मान लेते हैं, ठीक है, ये कितना हो गया 3×21 हो गया, ठीक है, ये हो गया 13×91 हो गया, 13 कितना हो गया 39 हो गया, 390 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सबसे कम धनात्मक संख्या ज्ञात कीजिए, चलिए तो क्वेश्चन आपका हो ही गया है, एक अंतिम क्वेश्चन आपके पास है कि 16 मीटर लंबाई और 12 मीटर चौड़ाई वाले हॉल के फर्श को वर्गाकार टाइल्स में पक्का किया जाना है, यदि कम से कम टाइलों का उपयोग किया जाना है तो प्रत्येक टाइल की लंबाई कितनी होगी। तो आप देखिए वर्गाकार टाइल्स निकालने के लिए क्या करना होगा कि 16 और 12 का आप एससीएफ निकाल लीजिए, 16 और 12 का क्या हो गया एससीएफ, एससीएफ कितना हो जाएगा आपको 4 हो जाएगा।
आप टाइल्स की जो संख्या होता है वो आपको लंबाई गुना चौड़ाई बट्टे आपका क्या होता है आपको वर्ग का स्क्वायर होता है। तो लंबाई गुना चौड़ाई कितना हो गया 16 गुना 12 हो गया। अब यहाँ पे जो एससीएफ निकालता है यही आपका क्या हो गया, ये हो गया वर्गाकार जो भुजा की लंबाई जो होता है, भुजा का जो लंबाई होगा वो दी गई लंबाई चौड़ाई का जो एससीएफ होगा वही आपका क्या हो जाएगा, आपका ए हो जाएगा। तो ये कितना होगा आपको 4 × 4 हो गया, ये हो गया 4 × 16 4 × 3 = 12। तो 4 × 3 = 12 आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। प्रत्येक वर्गाकार टाइल्स की लंबाई कितनी है, वो लंबाई पूछा है ना, तो सिर्फ लंबाई पूछा तो 4 मीटर हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, इतना जाने की जरूरत नहीं है। टाइल्स की संख्या आपको यदि पूछा जाएगा तो आपका 12 होगा, सिर्फ पूछा कि टाइल्स प्रत्येक वर्गाकार टाइल्स की लंबाई कितनी होगी, वही जो एससीएफ निकलेगा वही आपका टाइल्स की लंबाई हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से बताइए, पसंद है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ, थैंक्स फॉर वॉचिंग।